वो भी ड्रॉप किए कमेंट में। देखो यहाँ पे छोटू पांडे अपना शैलेश पांडे आप देख सकते हैं, रिसेंटली ट्रेंडिंग में यूट्यूब पे वीडियो एलविश भाई के साथ में मुंबई में मूवी मचाया था, तो बंदे ने बहुत अच्छा, वो भी बहुत मेहनत करता है बंदा अपना, वो भी अपना ये मीडिया से बहुत मेहनत करते हैं। वीरल भयानी जो आपको पता है सब बहुत सबसे बड़ा पेज है जो बॉलीवुड में, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने पेज है जो पॉपुलर है, वो चार पेज में वो वीरल भयानी, मानव, योगेन, वरिंदर, ये सब पेजेस में, मतलब ये सब बड़े पेज में ये भी बंदा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा मचाया था। और कल जो प्रोग्राम हुआ वो भी बहुत अच्छा था, और एलविश यादव का जो रिकॉर्ड किया भाई इंस्टाग्राम का, वो तो मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ, 5 लाख प्लस लाइव देखना, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है ना। मेरे को पहले हैरान हो गया कि बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े स्टार्स है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, इतने बड़े बड़े, उन लोग के लाइव में मैं तो पहले पता ही नहीं था कि इतना बड़ा लाइव ये होता है और लाइव क्रैश होता है, इतना रिकॉर्डिंग ब्रेक होता है, तो मेरे को पता नहीं था। क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर हमने देखा था एमसी स्टैन का जो लाइव था, सबसे बड़ा, मतलब सबसे बिगेस्ट लाइव था, लाइव मतलब जुड़े थे पब्लिक, पूरा फैंस जुड़ गए थे, कितना 4 लाख ऊपर था मतलब। और कल एलविश यादव का जो लाइव आया 6 लाख 5 लाख तक, तो उसने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी क्या पता फ्यूचर में फिर एलविश भाई का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, वो मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए। क्योंकि लाइव का, लाइव में इतने जन एक ही बार, मतलब एक इंस्टाग्राम का लाइव इंडिया में पूरा इंडिया में नंबर वन, और वर्ल्ड में 10th नंबर है। देखो बेबी का जी भी आ गई यहाँ पे, बेबी का भी जी आ गई। गाड़ी जान लो इधर ज्यादा है मत करो, आराम से करो, पब्लिक भी नहीं ज्यादा। अरे इधर आइए भाई, उसको उधर जाने दो, अरे इधर आइए सब लोग, अरे यार, अरे इतना नजदीक मत जाओ यार, अरे इतना नजदीक मत जाओ, इतना नजदीक मत जाओ। मैम एक कुर्सी थोड़ा पीछे निकलना भाई, अपन पीछे आ जाइए भाई, सब लोग पीछे आ जाओ यार, सब लोग पीछे आ जाएगा तो और अच्छा मिलेगा। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ थोड़ा, मोबाइल क्वालिटी मस्त बढ़िया। मैम यहाँ पे एक बार यहाँ पे, मैम यहाँ पे एक बार देखिए, हाँ, मैंने देखा और सीएम भी आए थे ना, अभी सक्सेसफुल होता जाएगा, मुझे तो लगता है वो अभी इंटरनेशनली भी ग्रो करेगा, काफी जानी मानी हस्ती बनेगा। अभिषेक जी का कॉल कर रहे हैं, कोहली की क्या जरूरत है, उसको इतना प्यार मिल रहा है पूरी जनता से, तो जितना उतना मायने नहीं रखता है, लोगों के दिल में उसने जगह इतनी बना दी है वो ज़्यादा मायने रखता है, तो मुझे नहीं लगता ये हेट अननेसेसरी स्प्रेड करनी चाहिए या कोहली होनी चाहिए। यही चाहूंगी कि मनीषा लाइफ में बहुत आगे जाए, क्योंकि उसने जितना स्ट्रगल किया है लाइफ में और जितना कुछ झेला है लाइफ में, हम में से किसी ने उतना स्ट्रगल नहीं किया है, मतलब हमें फिर भी हमारे माँ बाप ने एक अच्छी लाइफ बचपन से दी है, लेकिन मनीषा ने सब बहुत दुनियादारी देखी है और बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं यही प्रे करूँगी कि वो लाइफ में बहुत आगे जाए, उसकी हर मुराद पूरी हो, उसका हर ड्रीम पूरा हो। मैम कैसा है चल रहा है आपका लाइफ आफ्टर बिग बॉस बाहर, अभी जो भी अच्छी चल रही है? मैं तो ज़्यादा वक्त अपने घर पर ही बिता रही हूँ, फैमिली के साथ ही वक्त बिताने में ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन देखते हैं अभी, इट्स ऑल इन फुल स्विंग, बहुत सारा काम करना है और अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। कोई पाइपलाइन में जो है काफ़ी कुछ आ रहा है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है, तो आई स्पीक अबाउट इट वंस आई कन्फर्म। यही कहना चाहूँगी कि आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, और
गॉड ब्लेस, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, कुछ अच्छा आने वाला है और जल्द ही रिलीज होगा।